Let your dreams take flight. अपने सपनों को उड़ान दें। Hello everyone, आज हम जानेंगे एयर होस्टेस या केबिन क्रूज की जॉब्स के बारे में। Myself Anjali Tomar, HR Manager at Aegreus Aviation Private Limited. Contents, topics जो कि हम कवर करेंगे, introduction, responsibilities, eligibility, skills required, types of job roles, employment opportunities, top recruiting companies, pay scale, and lastly, pros and cons. Career as an air hostess. Flight attendants, जिन्हें हम एयर होस्टेस या फिर केबिन क्रूज या फिर स्टूवर्ड्स भी कहते हैं, जिन्हें की एयरलाइंस एम्प्लॉय करती हैं, जो कि पैसेंजर्स की सेफ्टी और कंफर्ट को इंश्योर करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में। एयर होस्टेस को नेशनल, इंटरनेशनल, कमर्शियल, चार्टर्ड और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में एम्प्लॉय किया जाता है। एक एयर होस्टेस की कई जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि एयर ट्रैवल को कंफर्टेबल बनाना पैसेंजर्स के लिए, सिक्योरिटी के साथ कोऑर्डिनेट करना। एक एयर होस्टेस हर पैसेंजर को ग्रीट करती है, उसे अपनी सीट तक डायरेक्ट करती है, सेटल होने में गाइड करती है, सिक्योरिटी के साथ कोऑर्डिनेट करती है और ऐसी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती है। Here is a list of responsibilities of an air hostess. First, pre or post flight checks conduct karna, passengers ko deplaning ke liye assist karna, passenger ki safety aur comfort par dhyan dena, passengers ko flight rules se brief karna, sare safety equipments ko check karna, एयरलाइन की क्लीनिनेस को चेक करना, सीट पॉकेट्स अप टू डेट है या नहीं ये चेक करना और सारे मील्स स्टॉक्ड अप है या नहीं ये चेक करना, पैसेंजर्स को वेलकम करना और उन्हें अपनी सीट तक डायरेक्ट करना, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट और सिस्टम को ऑपरेट करना, पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करना एयरक्राफ्ट सेफ्टी के बारे में, उसके प्रोसीजर्स के बारे में और इंश्योर करना कि सारा हैंड लगेज सिक्योरली स्टोर्ड है, पैसेंजर्स की सीट बेल्ट चेक करना, पायलट के बिहाफ पे अनाउंसमेंट्स करना और पैसेंजर्स के क्वेश्चंस को आंसर करना, केबिन सिस्टम को मेंटेन करना, मील्स और रिफ्रेशमेंट्स पैसेंजर्स को टाइमली सर्व करना, फ्लाइट रिपोर्ट प्रिपेयर करना और इमरजेंसी सिचुएशंस को मैनेज करना, पैसेंजर्स को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, साथ ही उनको मेडिकल केयर और एडवाइस देना और इंश्योर करना उनकी हेल्थ और सेफ्टी को हर समय। COVID-19 के दौरान सेफ्टी प्रिकॉशंस, जैसे कि हम इस पिक में देख सकते हैं, एवरी पैसेंजर हैज मास्क ऑन हिज फेस एंड शील्ड। ऑल्सो एयरक्राफ्ट को अच्छी तरह से क्लीन और सैनिटाइज किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी टू बिकम एयर होस्टेस। फर्स्ट, एस्पायरेंट्स जो कि एयर होस्टेस बनने के लिए एस्पायर करते हैं, उन्हें कम से कम 12th पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम जो कि मान्य हो उसमें एटलीस्ट 45-50% परसेंटेज लाना चाहिए, लेकिन मिनिमम परसेंटेज हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करते हैं। सिर्फ वही एस्पायरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 18-26 इयर्स के बीच में हो। कैंडिडेट को इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए।
कैंडिडेट की हाइट एटलीस्ट 157.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और वेट हाइट से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, जिसे हम बीएमआई इंडेक्स भी कहते हैं। एक एस्पायरेंट को एलिजिबल होना चाहिए इंडियन पासपोर्ट के लिए ताकि वो इंडियन एयरलाइंस के लिए एलिजिबल हो सके। स्किल्स रिक्वायर्ड, कुछ स्किल्स जो कि एक एयर होस्टेस के लिए जरूरी होती हैं: कॉन्फिडेंस, प्लेजेंट एंड फ्रेंडली पर्सनालिटी, क्लियर स्पीच और वॉइस, टीम वर्कर, पेशेंस, क्विक टू फाइंड सॉल्यूशंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इनिशिएटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड, फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग अनयूजुअल आवर्स एंड टीम वर्किंग स्किल्स। टाइप्स ऑफ जॉब रोल्स एयर होस्टेस। केबिन क्रू मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम करने के बाद एयर होस्टेस के लिए कई तरह की जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल होती हैं। एयर होस्टेस की जॉब प्रोफाइल्स सिर्फ केबिन क्रू तक लिमिटेड नहीं होती, इनके लिए और भी कई जॉब ऑप्शंस हैं जहां से हम चूज कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एयर होस्टेस या केबिन क्रू। एयर होस्टेस या केबिन क्रू की जिम्मेदारी होती है पैसेंजर्स को ओवरसी करना फ्लाइट के पहले और टेक ऑफ के बाद। सेकेंड, एयरलाइन स्टूअर्ड और स्टूअर्डेस, इनकी जॉब होती है ये इंश्योर करना कि पैसेंजर्स सेफली ट्रेवल करें थ्रू आउट द फ्लाइट और सारे गाइडलाइंस देना और इमरजेंसी प्रोसेस के बारे में भी गाइड करना। थर्ड, सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं सेफ्टी एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट्स का यूज और इंश्योर करते हैं पैसेंजर्स की सेफ्टी। फोर्थ, ग्राउंड स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ के पास कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे पैसेंजर के फ्लाइट्स के लिए चेक इन, पैसेंजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, पैसेंजर्स को असिस्टेंट प्रोवाइड कराना और उनकी इंक्वायरीज को आंसर करना। फिफ्थ, ट्रेनर और रिक्रूटर, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एयर होस्टेस को और केबिन क्रू को रिगार्डिंग ऑन फ्लाइट ड्यूटीज या फिर सिक्योरिटी सिस्टम्स और एमरजेंसी प्रोसीजर्स से। सिक्स, क्रू मेंबर, एक क्रू मेंबर रिस्पॉन्सिबल होता है क्रू और उसके मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। क्रू स्केड्यूलर, क्रू स्केड्यूलर की जिम्मेदारी होती है एक प्लान प्रिपेयर करना, बनाना एंड मैनेज करना सारे क्रू मेंबर्स के स्केड्यूल्स के हिसाब से। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एयर होस्टेस, बचाई के पहले समय की तरह आज एयर होस्टेस के लिए कई तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं और उनकी जॉब्स सिर्फ कमर्शियल एयरलाइंस तक लिमिटेड नहीं है। कुछ सेक्टर्स जो कि एयर होस्टेस को हायर करते हैं वो है कमर्शियल एयरलाइंस, कॉर्पोरेट एयरलाइंस, एयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, चार्टर्ड एयरलाइंस, मिलिट्री एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि एयर होस्टेस को हायर करती हैं वो है फ्लाई स्मार्ट, एयर इंडिया, कैथे पैसिफिक, वर्जिन अटलांटिक, लुफ्तांजा, कतार, ब्रिटिश एयरवेज, डेल्टा, सिंगापुर एयरलाइंस एंड जेट एयरवेज। नाउ लेट अस सी द पे स्केल फॉर एयर होस्टेस। एक एयर होस्टेस की सैलरी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। द एवरेज अप्रोक्सीमेट सैलरी जो कि एक एयर होस्टेस को ऑफर होती है कई लेवल पर, वो हम इस टेबल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जॉब प्रोफाइल, एयर होस्टेस या केबिन क्रू, स्टार्टिंग सैलरी पर एनम इन इंडियन रुपीज 4,20,000,
Mid-level salary per annum is 6 lakh. Senior level salary per annum is 9 lakh. Note, इस टेबल में दी गई सैलरीज एक एस्टिमेट है सैलरीज की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी होती है. नाउ प्रोस. तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोस ऑफ वर्किंग एज केबिन क्रू ये है कि आपको दुनिया की नई नई बेहतरीन जगह देखने का मौका मिलता है. दुनिया में ऐसी बहुत कम जॉब्स हैं जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं. आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है और डिफरेंट कल्चर्स को एक्सपीरियंस करने का भी मौका मिलता है. ज्यादातर एयरलाइंस अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंटेड या फिर फ्री टिकट्स भी प्रोवाइड करती हैं. इसकी सबसे बेहतरीन बात यह भी है कि आपको माइक्रो मैनेज या फिर कंट्रोल नहीं किया जाएगा. आपका करियर एज एन एयर होस्टेस या फिर केबिन क्रू आपको एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ लीड करेगा, जो कि ज्यादातर करियर्स ऑफर नहीं करते. लाइक प्रोस देयर आर सम कॉन्स. फर्स्ट, टायर्डनेस एंड एग्जॉस्टिंग वर्क स्केड्यूल, जो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को लीड कर सकता है. एक केबिन क्रू का करियर थोड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है और इश्यूज जैसे कि अर्ली रिटायरमेंट एक कॉन्स माने जा सकते हैं. एक एयर होस्टेस या फिर केबिन क्रू की जॉब काफी टफ मानी जाती है, क्योंकि आपको यहाँ हर तरह के लोगों को एक्सपीरियंस करना होता है, जो कि कई बार थोड़ा एग्जॉस्टिंग या फिर टायरिंग भी हो सकता है. These are the references for the slides. Thank you.